बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है कोकोनट की, यानी कि नारियल की। तो आपको बता दें कि गर्मियों में नारियल की क्वालिटी खराब होने के कारण पिछले 10 से 15 दिनों से व्यापारी आवश्यक पूर्ति हेतु ही नारियल मंगवा रहे थे, लेकिन 2 दिनों से नारियल में वैवाहिक सीजन वालों की लोकल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की पूछ परख जोरदार देखने को मिल रही है। जबकि बाजार में नारियल का स्टॉक पर्याप्त नहीं होने से कीमतों में तेजी आई है। आपको बता दें कि इंदौर में नारियल के दाम क्वालिटी अनुसार 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति बोरी तक उछल चुके हैं, और व्यापारियों का कहना है कि नारियल की क्वालिटी अब कुछ अच्छी आने लगी है, जिससे तमिलनाडु में भी नारियल के दाम बढ़ाकर बोले जाने लगे हैं, और इसकी वजह से इंदौर में भी तेजी को सपोर्ट मिला है। नारियल की आवक अभी हाल फिलहाल में कुछ कम ही बताई जा रही है। वहीं नारियल 120 भर्ती क्वालिटी 1650 से 1700 रुपए तक बिक रही है, 160 भर्ती 1850 से 1900, 200 भर्ती नारियल की क्वालिटी 2000 से 2050, वहीं 250 भर्ती नारियल की क्वालिटी 2100 रुपए से लेकर 2150 रुपए प्रति बोरी के भाव पर बिक रही है। इधर खोपरा गोले में ग्राहकी का सपोर्ट बेहद कमजोर रहने और अच्छी आवक के चलते भाव में मंदी का क्रम जारी रहा। इंदौर में खोपरा गोला ऊपर में 7 रुपए घटकर नीचे में 205 रुपए और ऊपर में 222 रुपए प्रति किलो रह गया। उत्पादक केंद्रों पर भी खोपरा गोले की बिक्री के टेंडर के भाव घटाकर भरे जा रहे हैं, लेकिन उठाव बेहद कम है, जिससे वहां भी मंदी ही चल रही है। खोपरा बूरे की बात करें तो खोपरा बूरा में कामकाज सामान्य रहा, इसके भाव में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। खोपरा बूरा नीचे में 2200 रुपए तो ऊपर में 4000 रुपए प्रति 15 किलो तक बोला जा रहा है। तो यानी कि जहां पर नारियल के दाम अब कुछ सुधरने लगे हैं, क्वालिटी कुछ सुधर के आने लगी है, तो वही खोपरा गोले के जो दाम है कम डिमांड के चलते कुछ नरम हुए हैं।